भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक मोहल्ला स्थित लक्ष्मी अपार्टमेंट में लिफ्ट टूट जाने के कारण लिफ्ट में सवार महिला फूलो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए तत्काल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है, अपार्टमेंट में काम करने वाली फूलो काम कर ऊपर मंजिल से लिफ्ट के दौरान नीचे उतर रही थी, तभी अचानक लिफ्ट टूट गया और प्रथम तल के बीच में आकर फंस गया, जिसके बाद अपार्टमेंट के लोग और आसपास के लोग पहुंचकर किसी तरह महिला को निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा लिफ्ट के ग्रिल को काट महिला का रेस्क्यू किया गया। लिफ्ट गिरने के कारण महिला को गंभीर चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम लिफ्ट गिरने के कारणों की जाँच कर रही है कि आखिर लिफ्ट किस तरह से गिरा है। हमारी सूचना मिली कि लक्ष्मी अपार्टमेंट मुंडी चक में लिफ्ट में लोग फंस चुके हैं। हमारी टीम क्विक रिस्पांस करते हुए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग आए और बोल्ट कटर का उपयोग करते हुए ग्रिल को पूरा काटे, ग्रिल काट के पूरा को रेस्क्यू करके उसको निकाला गया। बड़ा क्रिटिकल जाम था, दोनों ग्रिल के बीच में वो महिला फंस चुकी थी। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके उसको निकाला। तो यहाँ काम करने आती थी, वह किसी कारण से लिफ्ट में फंस गई थी और उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हम लोगों ने जाकर के थाने में कंप्लेन किया, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड में कंप्लेन किया। फायर ब्रिगेड और थाना के लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, जिसके कारण कि वो महिला सही सलामत रेस्क्यू की गई है और अभी उनको प्राथमिक इलाज और शेष इलाज के लिए मायागंज ले जाया गया। फंसा ये चूँकि कहना संभव नहीं है, क्योंकि महिला वो अकेली थी जो कि लिफ्ट में काम करके गई और वो अनभिज्ञ थी, लिफ्ट परिचालन से उनको कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण ये हादसा होने की संभावना है। और विशेष जब वो महिला जब होश में आएगी तब वो डिटेल में बता सकेगी। दहेज के लिए एक बार फिर से नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पूर्णिया के रूपौली के रहने वाले गणेश प्रसाद साह की पुत्री नेहा कुमारी की शादी 6 दिसंबर 2021 को नवछिया के रहने वाले पप्पू साह के साथ हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी में सब कुछ दिया गया था, दहेज भी दी गई थी, लेकिन लगातार पति और ससुराल वालों की ओर से 5 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही थी और लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था। मृतिका नेहा के परिजनों का कहना है कि दिवाली की रात दहेज के लिए पति ससुर सास ननद के दौरान नेहा की जमकर पिटाई की गई, उसके शरीर के हड्डी तक टूट गए थे। इलाज के क्रम में आज उनकी मौत हो गई। नेहा के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के लिए ही ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की है, जबकि उनकी बेटी 4 माह की गर्भवती थी। सर मतलब 25 तारीख है, दीपावली के दिन, 24 तारीख को दीपावली था ना, तो 24 तारीख मामला है रात का। थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा बहुत हुआ होगा सुबह, फिर जो वीडियो दिखाए सुबह का घटना है, और उसके बाद मारते मारते बेहोश कर दिया, इसको लगता है ऊपर से फेंक दिया गया है, जिससे किया हो तो हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन 4 आदमी मिल करके मारा है सर। पति का नाम है पप्पू साह, उसके ससुर जी का नाम है सुबोध साह, उसकी बहन का नाम है कोमल कुमारी, एक ठो उसकी माँ का नाम है रानी देवी। सब मिल के मारा, चारों मिल के मारा है घर में। मतलब पहले से कोई विवाद था, दहेज वहेज का मामला सर, था? हाँ सर, दहेज का भी मामला, दहेज का मामला में 5 लाख का मांग था, 5 लाख दिए भी, उसके बाद 2 लाख का हम सामान भी दिए हैं सर, 2 लाख का जेवर सब लगा करके, और उसके बाद भी मतलब कि देखते हुए मतलब कि पैसा दे रहा है, उसके चलते और मांग किया और हम लोग नहीं दे पाए। बाद में एक तो चक्ती का भी मांग किया तो चक्ति हम लोग नहीं देने कारण लगता ये सब घटना किया है। पति का कहना है कि उनकी पत्नी दिवाली की रात छत से गिर गई थी, जिसके कारण शरीर के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा था। ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं दहेज को लेकर पति का कहना है कि ना तो शादी में उन्होंने दहेज लिया और ना ही दहेज की कोई मांग की गई थी, जबकि परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। सर मेरी पत्नी जो है सर दीपावली के सुबह होके छत पर से गिर गई थी, तो गिर गई तो हम सब उठा के यहाँ भागलपुर मसीह आजम के पास आए, और मसीह आजम के आने के बाद वो बोले सर कि हड्डी का पीछे वाला भाग टूट गया है, जिसका ऑपरेशन होगा, तो वो ऑपरेशन बोला हम 1 तारीख को करेंगे, तब तक मरीज जो है ना ट्रीटमेंट होगा और 1 तारीख को ऑपरेशन करेंगे।
तो कल सर ऑपरेशन ही हो रहा था, ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन ठीक ठाक रहा, ऑपरेशन होने के बाद जो है धड़कन कुछ बंद हो गया सर, उसके बाद जो है उसको आईसीयू में बंद किया गया, आईसीयू में सर मेरी बीवी डेथ कर गई, सारा सर इलाज हम कर रहे हैं सर, और डॉक्टर सर दहेज के लिए आप मारे हैं आरोप, दहेज के लिए सर ये मुझे खामखा फंसाया जा रहा है सर, ना ही हम दहेज लिए हैं सर, ना दहेज के लिए मारेंगे सर, हम ओनली वन भाई हैं सर। अगले सर देखिए, अगले के साथ सर उसकी बेटी देख रही है बेड पे, और सर उस दिन से हम हॉस्पिटल में हैं, चूँकि मेरे पास मसीह आजम अभी खुद रिपोर्ट देखिए बना के दिए गए हैं, और वो अपना स्टेटमेंट दिए, बोले हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, आप पूरे लगन और लगनशील से लगे रहे अपने पत्नी के पैर में, और मसीह आजम जी खुद बोले कि हम खुद लड़की का बयान भी लिए थे तब एडमिट किए थे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी धड़ल्ले से शराब का सेवन करते हैं। जगदीशपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सबौर थाना क्षेत्र के कामाख्या कॉलोनी में डॉक्टर संतोष कुमार शराब का सेवन कर रहे हैं, जिस पर उत्पाद विभाग के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम को डॉक्टर संतोष कुमार शराब के नशे में मिले। वहीं एक शराब की बोतल जिसमें आधा से कुछ कम शराब भी बरामद किए गए, उनकी मेडिकल जाँच करवाई गई, जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। भागलपुर कृषि भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे सूबे को कृषि प्रधान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसको लेकर तमाम कृषि अधिकारियों को रबी फसल के उत्पाद में बढ़ोतरी को लेकर निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, किसान तो मेहनत करते हैं, लेकिन जागरूकता व जानकारी की कमी होने के कारण वे सरकारी लाभ लेने से चूक जाते हैं। ऐसे में दूर दराज से आए किसानों को टेक्निकल माध्यम से फसल उत्पाद एवं अन्य चीजों की जानकारी इस कार्यशाला में दी जाएगी। साथ उन्होंने यह भी कहा कि उत्पाद के लिए सरकारी स्तर से उन्हें बीज भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं डीएम ने कृषि के क्षेत्र में खुद को सुदृढ़ एवं संबल बनाने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मौके पर कृषि विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे। ये रबी महाअभियान की शुरुआत जो है वो की गई है, और इसमें जैसा आप लोग जानते हैं किसानों को सरकार बीज उपलब्ध कराती है, और दूसरा जो अन्य जितनी भी नवीन तकनीक है उसके बारे में जानकारी जिला स्तर पर आज शुरुआत हुई है, ये प्रखंड स्तर पर, और फिर नीचे पंचायत स्तर पर भी किसान चौपाल लगा करके जो नए अन्वेषण हो रहे हैं, नई तकनीक आ रही हैं, उनके बारे में किसानों को बताया जा रहा है, और साथ साथ जो कृषि विभाग की अन्य योजनाएं हैं उनके संबंध में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। भागलपुर जिला और जो आत्मा की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, लगातार अच्छा कर रही है। पिछली बार हम लोगों ने कई देशों में जो है जो यहाँ का GI टैग जर्दालू आम है उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। इस बार हम लोगों का प्रयास है जो यहाँ कतरनी चूड़ा और चावल है उसकी बेहतर पैकेजिंग मार्केटिंग की जाए और वो भी विभिन्न देशों में हम लोग भेज सके। तो इन सारे विषयों पर आज दिन भर चर्चा होगी, और कृषि विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग लगातार भ्रमणशील रह करके सारी स्कीम्स का लाभ किसानों तक पहुँचे इसको देखेंगे और इसका क्रियान्वयन कराएंगे। भागलपुर के नवछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के बलहा गांव के पास स्थित गंगा नदी के धार में अज्ञात अधेड़ महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। गंगा नदी के धार में तैरती हुई अधेड़ अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शव देखने घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गंगा की धार से निकालकर महिला की शिनाख्त करने और घटना की जांच में जुट गई। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, हालांकि प्रथम दृष्टिया देखने से प्रतीत हो रहा है कि गंगा स्नान करने के दौरान डूबने से उसकी मौत हुई होगी। भागलपुर के खरीक प्रखंड अंतर्गत उस्मानपुर में खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीणों के द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों से आए पहलवानों ने अपनी ताकत की आजमाइश की। 3 दिनों तक चलने वाले इस कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवान शामिल हुए। वहीं इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए जिले के कई गाँव के लोग उस्मानपुर पहुँचे। मेरा घर प्रॉपर बलिया पड़ता है, बलिया यूपी, और मैं रहता हूँ अयोध्या जी।
और यहाँ कुश्ती बहुत सालों से होती है और मैं हर साल लगभग आता हूँ यहाँ पर। और यहाँ की बिहार की जनता हमें इतने प्यार दुलार देती है, आपने देखा भी होगा, इतने प्यार दुलार शायद यहाँ के पहलवान को भी लोग ना देते हैं जितने मुझे मानते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो या चाहे अन्य कोई भी हो, हमें बहुत प्यार दुलार देता है और कुश्ती लड़ने में हमें बहुत मज़ा आता है। कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा भैया, बहुत सुंदर लगा, जितना तारीफ की जाए उतना कम। बहुत सुंदर लगा भैया जी। भैया आपसे तो मैं पहले कह चुका हूँ कि बिहार के लोगों ने बहुत ही हमको भरपूर प्यार देता है। जब भी मैं बिहार में कदम रखता हूँ तो जैसे दंगल में आने से पहले ही लोग सोचते हैं कि पहलवान जी की कुश्ती हो जाए तो मज़ा आ जाता है। हमें तो लग रहा था कि यूपी के ही पहलवान थे। जिन भवानी सेवा समिति भागलपुर के द्वारा श्री जिन महोत्सव के मौके पर 108 मीटर चुनरी विराट शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम मरवाड़ी ब्राह्मण मंडल धर्मशाला डॉक्टर आरपी रोड से प्रारंभ हुआ। बताते चले शोभा यात्रा श्री जिन माता मंदिर बुधिया धर्मशाला के निकट से कोतवाली चौक, एमपी द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार, वैरायटी चौक, खलीफाबाग स्थित अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे। आपको बता दें आंवला नवमी के मौके पर शोभा यात्रा की यह तीसरी प्रस्तुति है। श्री जिन भवानी माता की ज्योत एवं सामूहिक मंगल पाठ का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कन्या पूजन और भंडारा प्रसाद का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पवन कुमार डोकानिया, उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा पलासर, सचिव अमरेंद्र कुमार वर्मा के अलावे सैकड़ों शहरवासी और दर्जनों श्री जिन भवानी सेवा समिति के कार्यकर्ता शामिल थे। ये जिन माता की शोभा यात्रा है, 108 मीटर की चुनरी है जो आपके भागलपुर के प्राचीन मंदिर से निकली है और ये क्या नाम है, ये आपके सारे शहर को भ्रमण होते हुए स्टेशन चौक खलीफाबाग होते हुए ब्राह्मण मंडल में जाके समर्पित की जाएगी। क्या मान्यता है? इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। 1100 साल पुराना जो मंदिर है राजस्थान में, उसी के माध्यम से यहाँ पे भी मंदिर बनाने की व्यवस्था चल रही है। और 108 मीटर की चुनरी दोपहर में 2 बजे से मंगल पाठ का कार्यक्रम है जो आपके शाम के 5 बजे तक होगा। 7 बजे तक 7 बजे से प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में बिहार प्रदेश मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के उत्थान एवं प्रगति को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम को लेकर मारवाड़ी महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मीना मोटवानी ने बताया कि आजकल के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं है, जबकि कुछ लोगों की महिलाओं को लेकर वही पुरानी मानसिकता है। मीना मोटवानी ने कहा कि उनके संगठन के द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी सहायता भी की जाती है। इसको लेकर लगातार वो हर जिले की इकाई का भ्रमण करती है और वहाँ की महिलाओं से जुड़कर उनके उत्थान व प्रगति को लेकर इसी प्रकार का सम्मेलन करती है। भागलपुर जिला इकाई की अध्यक्ष सुनीता सर्राफ ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और वो लोग महिला सशक्तिकरण के कार्य में और तेज गति से कार्य करेंगे। मौके पर मारवाड़ी समाज की कई महिलाएं उपस्थित थी। आज हम लोग बिहार प्रदेश की ओर से भागलपुर शाखा का दौरा करने आए हैं। दौरा में मैं प्रांतीय अध्यक्ष नीना मोटानी, सचिव निशि अग्रवाल और कोषाध्यक्ष प्रांतीय कोषाध्यक्ष उषा टुरेवाल जी आए हैं। हमारा कार्य यह है कि अभी हम लोग आए हैं ताकि भागलपुर शाखा को सही दिशा निर्देश दे सकें, ताकि वो और अच्छी तरह से कार्य कर सके, उन्हें दिशा निर्देश दें, गाइडलाइन दें कि किस तरह से उन्हें कार्य करना है, कितने अच्छे से समाज को नई दिशा दिखानी है, समाज को अलग अलग पर्यावरण पे हो, चाहे महिला सशक्तिकरण पे हो, नेत्रदान हो, अंगदान हो, रक्तदान हो, किस तरह से वो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, यह सब हम लोग आज यहाँ पे बताने आए हैं ताकि भागलपुर शाखा भविष्य में और ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य कर सके। आज हम लोग की है ना प्रांतीय दौरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट है ना ट्रेजरर सभी आई हैं कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं और हम लोग को वो लोग और आगे बढ़ाने के लिए कि भागलपुर शाखा में और भी आगे हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर काम करें। भागलपुर में जैसे हम लोग कन्याओं का विवाह कराते हैं और ये क्या नाम है वृक्षारोपण वगैरह करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्कूल में जाके बच्चों लोग को हेल्प करते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं और है ना क्या बोलते हैं ब्लड डोनेशन वगैरह, महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे कोई ज़रूरतमंद महिला है तो उसको हम लोगों ने राखी बनाना सिखाया और 2 बच्चियों को भी सिखाया और है ना अभी हमने एक सिलाई मशीन दी है, वो हम लोग उसी से सिलाई करवाते हैं।
कुछ भी काम होता, समिति का कुछ भी होता, तो हम लोग उसी। कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी चौक पर कांग्रेस बिहार प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया तथा ईश्वर से उनके परिवार के लिए दुआ मांगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने दुख व्यक्त करते हुए गुजरात सरकार से घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पटेलगढ़ कन्या पाठशाला में होने वाले 3 दिवसीय 5 कुंडिया गायत्री महायज्ञ को लेकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और घोड़े के साथ निकली कलश यात्रा 10 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा तय कर कन्या पाठशाला पहुंचकर संपन्न हुआ। आयोजक मंडल के प्रवीण कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ को लेकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से 121 महिलाओं के द्वारा विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कटहरा स्थित कन्या पाठशाला पटेल पहुंचकर संपन्न होगी। इस दौरान हवन, प्रवचन, महाभोग और टोली विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कलश शोभा यात्रा के दौरान राहुल कुमार, कुणाल कुमार, पंचानन सिंह, विकास कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे।